जी लाल रंग से मैं फ्रैंकली बताऊँ तो एक बहुत ही अच्छा ट्रू स्टोरी है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक हल्का सा सीरियस इमोशन और काफ़ी ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने फिल्म देखी हुई है बट बड़े पर्दे पे नहीं, मैंने सिर्फ पोस्ट में देखी हुई है थोड़ी बहुत, एंड आई जस्ट होप दैट द वे वी शॉट इट इट्स कम आउट दैट वे, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, आपके लिए कितना नया अनुभव रहा इस तरह की टीम का हिस्सा? जी मेरे लिए काफ़ी नया अनुभव रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब अफजल मेरे पास आए स्क्रिप्ट लेके तो उन्होंने बोला कि यार पूरी सुना दी, उसके बाद बोला ये जो कॉप वाला रोल है मैं चाहता हूँ कि आप प्ले करिए, एंड आई सेड कि यार आई शो बिकॉज मैं हरियाणवी नहीं हूँ, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि आई जस्ट लाइक द होल स्क्रिप्ट, आई लव द स्क्रिप्ट, आई सेड कि आई वुड वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, चाहे इसका आप मुझे दो सीन भी दोगे तो भी मैं पार्ट बनना चाहता हूँ इसका। सो देन ऑब्वियसली ये पुलिस वाले की जर्नी शुरू हुई, एंड क्योंकि वो मेन पिक्चर में एक पॉजिटिव इंसान जो है वो यही है, बट उसका तरीका थोड़ा टेढ़ा है। सो गजराज इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आई लव प्लेइंग इट। ओके, कुछ खास हरियाणवी लैंग्वेज सीखी क्या आपने? जी हाँ, लहजे को। हाँ, तो मैं एक एसपी गजराज सिंह का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो दिस गाय इज बेसिकली एन एजुकेटेड हरियाणवी, तो वो एक छोटे फैमिली से उठा है बट वो ऑब्वियसली पढ़ लिख के एसपी बना, तो उसकी हरियाणवी भी है लेकिन एक पॉलिश सी हरियाणवी टच है, एंड सिंस सिंक साउंड है तो आपको ऑब्वियसली बात है कि कोई ऐसी डबिंग वबिंग बाद में नहीं की हमने, जो वहाँ किया है वही है, एंड ऑब्वियसली पंकज मट्टा जो राइटर हैं अफजल और वहाँ के लोकल ACP जो थे हरियाणा के, उनसे भी मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई इस लैंग्वेज को लेके, बात करने के तरीके से, बॉडी लैंग्वेज से लेके सब कुछ, छोटी छोटी डिटेल्स में हम लोग गए, एंड उसके बाद इट वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग क्योंकि उसमें हल्की सी एक हल्का सा अंडरलेड कॉमिक एलिमेंट भी है। ओके, रणदीप के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? और एक सवाल ये, दूसरा सवाल है, रणदीप ने फिल्म की थी वन अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जी, जहाँ पे वो भी पुलिस का किरदार निभाते नजर आए थे और काफ़ी अप्रिशिएट करा गया था उनका पुलिस का किरदार, जितने ही वक्त वो स्क्रीन पे आते थे अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे, जी क्या कंपैरिजन होंगे? जी कंपैरिजन मैं पहले रणदीप पे आता हूँ, रणदीप ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, एक ऑब्वियसली उनका बैकग्राउंड जो है पूरा थिएटर का है और साथ में जितना उनका एक्सपीरियंस है फिल्मों का उस हिसाब से मतलब वो एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं जो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड द वे ही इज टेकिंग हिज स्क्रिप्ट, द वे ही पिकिंग अप हिज रोल्स, आई थिंक दैट इज़ फैंटास्टिक, तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया बहुत कुछ, एंड क्या होता है कि जब आपके सीन में आसपास वाले बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी चीज़ बढ़ जाती है, एंड रणदीप दैट वेज इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी वेरी गिविंग एज एन एक्टर, तो दैट इज़ अ वेरी गुड आई थिंक एट्रीब्यूट अबाउट हिम। देन सेकेंडली आई वुड से कि लाल रंग और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में जो आप बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कंपैरिजन्स हो सकते हैं, क्योंकि उसमें रणदीप का जो रोल था कॉप का था और मेरा इसमें एसपी का है, और कहीं ना कहीं वो बंदा मैं जो हूँ यहाँ पे थ्रेट हूँ रणदीप को फिल्म में, मतलब फिल्म में, क्योंकि वो एक माफिया प्ले कर रहे हैं और मैं वो पुलिस वाला प्ले कर रहा हूँ जो उनको ढूंढ रहा है एंड उनको पकड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ कंपैरिजन से लोग करेंगे। थैंक यू। देखिए जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब देखी नहीं है सिर्फ लोगों से सुना है, एंड जहाँ तक रणदीप की फिल्म्स देखते आ रहे हैं और ऑफकोर्स हमारा दोस्त रजनीश भी है तो डेफिनेटली देखना चाहेंगे और उम्मीद यही है कि अच्छी फिल्म होगी, मज़ा आएगा। ओके, रजनीश किरदार ये थोड़ा अलग है और अच्छा है, और डेफिनेटली क्या होता है ना एक एक्टर के लिए अलग अलग टाइप ऑफ रोल्स उसके कैलिबर को यू नो टेस्ट करते हैं कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो और कितना अलग अलग कर सकते हो, तो ये भी एक अलग फर्स्ट क्लास अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, एक यू नो रियल जो एक माफिया रहा है जब ब्लड की हम बात करते हैं उस पर आधारित फिल्म में, ये कितना इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि पहली बार शायद सिनेमा में? सबसे बड़ी बात ये है कि कई बार हम लोगों ने भी बचपन में भी या थोड़े बड़े हुए तो कॉलेज में भी हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, लेकिन हमें तो ऐसे ही लगता है कि वो सही जगह पे पहुँचता है, लेकिन जब ऐसे पता चलेगा कि ये लोग की माफिया एक्चुअली कैसे लोग सही जगह पे नहीं पहुँचाते या कैसे ये लोग किस कितने भाव में लेते हैं और कितने में बेचते हैं या फ्री में लेते हैं और भाव में बेचते हैं, तो ज़रूर वो तो इंटरेस्टिंग लगेगा और डेफिनेटली ये लोगों को आगे बताएगा समझाएगा कि यू नो देखो आप पहले एकदम रजिस्टर्ड जगह पे ब्लड डोनेट करो जो सही जगह पे पहुँचे,
ऐसे ही नहीं कहीं पे भी जहाँ पे बहुत सारे लग जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स लग जाते हैं, मगर वो सही में पहुँचाते नहीं पहुँचाते, वो जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इससे पता चलेगा कि डेफिनेटली लोगों को ये तो लगेगा कि कम से कम सही कैंप में जाके डोनेट करो। ओके, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ना, अभी गंगा पंबिंग गंगा देन जस्ट फिनिश्ड, लव गेम्स तो रिलीज हो गई, अब एक आ रही है 27 मई की डेट आ गई है, शोरगुल रेडी है, अभी से उसकी प्रमोशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद एक और फिल्म साइन की है तो देखते हैं अभी क्या होता है। शोरगुल में किस तरह का किरदार निभाते नजर आएंगे? शोरगुल थोड़ी सी अलग है, वो जो मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, जो दंगा हुआ था उसके ऊपर है, तो रियल स्टोरी है और उसमें एकदम अलग है। पहली बार लोग मुझे एक ऐसे कैरेक्टर में देखेंगे जो मैंने किया नहीं है, तो एक सलीम नाम है मेरे कैरेक्टर का, तो बस इतना बताऊंगा। ओके, कोई खास वजह एकदम ऑफबीट सिनेमा रियल स्पेस में करने जा रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि रियल स्टोरी बेसिकली करने का मजा ही कोई अलग होता है, और सही रियल जगह पे जाके। मेन बात ये होती है ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सेट में करते हैं शूटिंग तो हमें पता होता है कि ये तो सेट है, लेकिन अगर जब रियल लोकेशन में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं। जब भी हम इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को उठाते हैं या छूते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं, विवाद अपने आप चले जाते हैं। देखिए होना तो है ही, अभी देखिए अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई या कुछ कुछ ऐसी चीज़ होगी जो लोगों ने अब तक नहीं पहुंचाई है या लोगों ने देखी है या लोग फिर से देखेंगे, डेफिनेटली विवाद होगा, डेफिनेटली उसके ऊपर लोग 100% क्वेश्चंस भी उठाएंगे, लोग 100% ये बोलेंगे कि ऐसा हुआ था तो फिर लोगों को अभी क्यों पता चल रहा है। बट आई थिंक फिल्म मेकर का काम है असलियत लोगों तक पहुंचाना, उसके आगे तो अब देखा जाएगा क्या होता है। Well, I've come here because a dear friend of mine has invited me, and I've come to support him and Zal, they all are here, and I think it's a quite an interesting film. So Sandeep, everyone is here. So for me, Rajnish had invited me saying that come for a preview, and I said I was thinking suddenly preview kaha se aa gaya, but when I later came to know that it's Zal's director Randeep is there and all that. So I really want to, you know, I got curious and I want to know about a film like that, which is talking about mafia and the racket behind blood collection and blood transport. So acha topic hai. Well, sahi baat hai, hum hamesha sochte hain ki ब्लड हॉस्पिटल में हम डोनेट करते हैं उसका सही यूज़ होता है, बट दिस फिल्म यू विल कम टू नो कि सच्चाई कुछ और है। दुनिया में काफ़ी हरकतें होती है जिससे सही जगह सही चीज़ नहीं पहुंच पाती। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट्स एन आई ओपनर फॉर द कंज्यूमर लॉट ऑफ ऑडियंस। आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ओके, रणदीप सर जीत के साथ भी आ रहे हैं और आप? वेल, रणदीप इज अ फैंटास्टिक एक्टर, मैं हमेशा उनके काम का तारीफ़ की है, मैंने उनका काम हमेशा अच्छा लगा। विथ समथिंग लाइक लाल रंग, विथ समथिंग लाइक सरबजीत, इज डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर इन अ बिग वे, एंड आई होप ऑल द सक्सेस टू रदीप, अफजाल एंड रजनीश ऑल टुगेदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज स्क्रीनिंग हो रही है फिल्म की, सचिन जोशी और भी बहुत सारे जो फिल्म का हिस्सा नहीं वो देखने आए और अच्छा रेस्पॉन्स बता रहे हैं। डू यू थिंक हाफ द बैटल इज वन? सर, आई थिंक फुल बैटल इज वन, बिकॉज ये लोग जो फिल्म, ये सब फिल्म से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्म नहीं देखी, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखी हैं, एंड उसके बाद अगर ये लाल रंग को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे कम से कम 5-6 लोगों ने आके बोला है, एंड मेरा जो भी फिल्म का मेरे कैरेक्टर का जो USP है उसका सब मजाक उड़ा रहा है, मतलब इन अ गुड वे, तो दे टेकिंग माय कैरेक्टर होम, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, तो आई थिंक इट्स रियली गोना डू वंडर फॉर द फिल्म। ओके, ये भी कहीं फिल्म क्रिटिक भी स्क्रीनिंग का हिस्सा रहे हैं इससे पहले? हाँ जी, हाँ जी, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा, बिकॉज फिल्म का पूरा बैकग्राउंड ही हमारा नॉर्थ का, हरियाणा नॉर्थ, राइट, मेरा कैरेक्टर फ्रॉम UP है,
नहीं मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भी और इधर के जो एरिया है वहाँ पे भी पसंद आएगी बिकॉज एक तो एंटरटेनमेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती. हम साउथ की फिल्में भी देखते हैं. हम बाहुबली तो मतलब नेशनल अवार्ड भी जीत गई. तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी होने वाला है. आप अच्छा सब्जेक्ट दो, अच्छी परफॉर्मेंस दो, अच्छी पैकेज बना के दो तो हर कोई पसंद करता है. मुझे तो चाइनीज़ फिल्में भी अच्छी लगती हैं तो समझ में कुछ नहीं आता है. तो इट्स ऑल अबाउट द योर क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट. रणदीप कहीं भी नजर नहीं आए फिल्म के शुरुआती प्रमोशन से लेकर. नहीं, रणदीप ने तीन दिन हमारा जो व्यू में इंटरव्यूज होते हैं ही वॉज देयर फॉर थ्री डेज एंड देन ही एक्चुअली टूरिंग लाइक इन एवरी सिटी. तो आई थिंक वी ऑल लाइक प्रमोटिंग द फिल्म एज अ टीम. जहाँ वो नहीं जा रहे हैं वहाँ हम जा रहे हैं. और जैसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बहुत बड़ी और उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी सर्जरी भी हुई है. बट सल्यूट टू हिम लाइक ही इज़ स्टिल प्रमोटिंग द फिल्म. कल उनकी सर्जरी हुई थी एंड आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में. तो एंड हमने और मैंने और अक्षय ने और बाकी के और शहर कवर किए हैं. तो एज अ टीम वी आर वर्किंग ऑन इट. थैंक यू सो मच. Rajneesh has invited us and sorry we are a little late but we are here to support him and want to watch the film. Okay, the film also talk about the blood mafia. Do you think yes. It will be a more informative film for the audience? That I can tell you after watching the film but as long as it's entertaining there's information or non-information doesn't matter. Rajneesh playing a cop in the film, have you seen the trailer and what I saw expecting? The trailer and it really, looks really interesting. So Rajneesh ka kaam dekhne aaye hain. Okay, what happening on professional front from? There are a few things happening, you'll get to know soon. Thank you. Any film or? Yeah, I'm shooting right now for Junjuna, so hopefully that should release this year. Okay, if you can tell us something about Junjuna, though it's too early to talk about. I know, yeah, it's too early to talk about, so once we are ready to talk, I'll tell you everything about it. Thank you. Thank you.